वर्कआउट है वो करके आई और अभी बना रही हूँ फुलके। तो एक प्रॉपर डाइट करना, जैसे कि मैंने बोला कि वो कर रही हूँ मैं अभी। और कल से अभी 4 times a week मेरा जो है वर्कआउट चालू होगा, यानी डांस और जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक डांस पार्टनर है वो बोली कि हम जिम भी ज्वाइन करेंगे। और PYC जैसे कि अभी मेरा सेकंड होम ही हो गया है, तो फीस भी रीजनेबल रहती है मेंबर्स के लिए, तो इस वजह से जिम भी ज्वाइन करने वाली हूँ वहाँ पे। तो इसके लिए प्रॉपर डाइट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरी ट्रायल जो है वो चालू है, यानी ये नेल जो चिपकाया है, तो सब काम करके मैं देखूंगी और बताऊंगी इसका एक्सपीरियंस आपको। मैंने ये नेल पे जो है वो ट्रायल की है, थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे चुभ रहा है, यानी ये क्यूटिकल जो रहते हैं ना वहाँ पे, लेकिन काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी डांस भी करके आई लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं आई। देखिए गर्मा गर्म फुलका भाकरी जैसा ही बनाते हैं, यानी विदाउट ऑयल। मैंने लिया है 1 ऑमलेट एंड 2 फुलकास। तो कल मैं ये बैग जो है वो लेके आई हूँ, जिसके ऊपर एक छोटा सा पोनी डाला, पोनी है ये देखिए। कुछ ऐसा है ये है शटल। तो कोरफड़ एंड करी लीव्स का जो मास्क है ना, वो मैंने लगाया था ना, एक आपको दिखाया है उसका पूरा वीडियो बनाया है मैंने। तो उस मास्क को यानी सरसों के तेल में मैंने बनाया था, तो वो बनाने के बाद मेरे बाल जो है चमकदार हो गए। देखिए शाइन आ गई है उसमें अपने आप। और बाल झड़ना भी ख़त्म हो गया, डैंड्रफ भी निकल गया, तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है वो मास्क। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, इस चैनल पे भी पोस्ट किया है। और ब्यूटी हेल्थ एंड कुकिंग टिप्स चैनल पे भी मैंने वो वीडियो जो है
वो बनाया है, तो उसमें जाके भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मास्क बना है। और शाइन देखिए बालों में, घर पे बनाया था मैंने एलोवेरा एंड करी लीव्स से। तो यहाँ पे मैं शाम के स्नैक्स के लिए कुछ स्नैक्स जो है वो बना रही हूँ, यानी तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, यानी हरभरा दाल जो रहती है ना वो पीस के ली है। फिर यहाँ पे है प्याज, हरी मिर्च और धनिया। तो इसमें है मेरा धनिया। तो एक एक करके हम पहले इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम नमक, फिर हम डालेंगे प्याज, फिर डालेंगे थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा हमें स्पाइसी बनाना है तो इस वजह से हरी मिर्च से अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसमें हल्दी भी डालेंगे, तो अब इसमें हल्दी भी डाल दी है, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से, जैसे केक का बैटर हम बनाते ना उसी तरीके से। तो मैं इसे पहले हिला लेती हूँ अच्छी तरीके से। अभी इसमें ये धनिया डालेंगे, और फिर से एक बार मिक्स करेंगे। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल्स। तो ब्रेड रोल के लिए ये बैटर जो है ये ऑलरेडी रेडी है। तेल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अभी क्या करेंगे हम, ये ब्रेड जो है थोड़ा सा गीला करेंगे कुछ इस तरीके से, इसके अंदर का पानी जो है वो निकाल देंगे और इस स्लाइस के ऊपर ये जो दाल है वो लगाएंगे। तो अभी ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो ये है यमी यमी ब्रेड पैटिस। बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।